लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक डकैत पकड़ा जाता है और अदालत में लाया जाता है तो किस बात का सबूत मांगा जाता है? कि उसने वो अपराध नहीं किया जिसके लिए उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। स्त्री अदालत में आती है तो उसे इस बात का सबूत मांगा जाता है कि उसके साथ सचमुच बलात्कार हुआ है। यानी दोनों में कोई फर्क नहीं करती अदालत। दोनों को सबूत देने के लिए बुलाया जाता है और इसे भी कही भी दिया है क्योंकि डकैत अपराध करने के बाद अपने निर्दोष होने का सबूत देने आता है। लेकिन औरत अन्याय को झेलने के बाद कटघरे में खड़ी की जाती है ताकि वो इस बात का सबूत दे सके कि उसके आत्मा और देह पे जो दाग पड़े हैं वो चलने या कटने के नहीं, इस कुत्ते के दांतों के निशान। क्या बात है अम्मी, कोई तकलीफ हो रही है? मेरी बेटी सबूतों की झाड़ा खा ले रही है। तू पेट से है सचमुच? अब भी वक्त है, हम भी अबॉर्शन करवा ले। चाहती हूँ ये आँच मेरे अंदर जीवित रहे, कल को जमीन पे आए, आग बने और दुनिया उस आग से गुजरे, महसूस करे उसकी तपिश को।
मोहल्ले से कोई आने को तैयार नहीं। लाश कब तक पड़ी रहेगी? चार मजदूर लेके आओ। ताबूत में बंद कर देना चाहिए इस शहर को और यहां रहने वाले लोगों को। इस जमीन पर रहने का हक नहीं है। जी जी जी, मजदूर कंधा दे रहे हैं माता जी की अर्थी को। ए पाटिल, इधर आ। भेड़ बकरियां हैं अन्ना, कुछ नहीं करते ये नारे लगाने के सिवाय। चल पाटिल। नहीं, तुम इसे नहीं छोगे। दुश्मन तो जीवित लोगों के होते हैं भाई। तुम अभी मूर्तों में शामिल नहीं हो गुलाब राव। चलो। सच्चाई आज भी कायम है। आप मुझे देखिए, मैं खुद इस बात का सबूत बन गया हूं। अगर आज सच्चाई सरेआम खुलकर चिल्लाकर यह कह रही है कि इस धरती का सच्चा सपूत गुलाब राव एकदम निर्दोष है,
के लिए हर औरत, हर लड़की माँ है, बहन है और बेटी है। बस मित्रों, मुझे इतना ही कहना है। अब आप इस पर सोचें, विचारें और निडर होकर अपना निर्णय दें। हाँ, आइए ना, आइए आइए, ऊपर आइए। प्रणाम। ध्यान से आइए। अन्ना साहब हमारी सभा में आए हैं हमें आशीर्वाद देने। हमें इस बात की बहुत खुशी है, उनका तालियों से स्वागत करो। भाइयों और बहनों, सच्चाई का वजूद आज भी कायम है, लेकिन वो हमारे और आपके लिए जीवित नहीं है। वो जीवित है भ्रष्ट न्याय तंत्र के लिए, वो जीवित है बिकाऊ वकील गोखले के लिए और दागी राजनीतिक गुलाब राव के लिए। भाइयों, ये बूढ़ा जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, आपको ये बताने नहीं आया है कि यही है वो जारज गुलाब राव जिसने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया है, बल्कि आपको आगाह करने के लिए आया है कि अगर आपने इसे अपना प्रतिनिधि बनाया तो ये नराधम सभ्यता, संस्कृति, लोक जीवन, मानवता किसी को भी नहीं बख्शेगा, बल्कि सबके साथ आपकी आंखों के सामने खुलेआम बलात्कार करेगा। छोड़ दो, 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 छो
जाओगी? कभी कभी देखा है रसोई घर में, और फरमाइश है कि ये करना। क्या कर रही हो? ये क्या रखने की जगह है? और ये भी कोई रखने लायक चीज है? जानने वाले जान चुके कि प्राण के तुम सबसे अच्छे मास्टर हो। तुम क्या जानो, ये केवल कागज या तस्वीर नहीं, दस्तावेज। इतनी रात गए, अब क्या लेने आए हो? डर गए? वो भी एक औरत से जिसे अपने पौरुष पे इतना गर्व है, उसकी ये हालत? पौरुष का सम्मान करना सीख जाती तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। पुरुष को ना नहीं कहा जाता बेवकूफ लड़की। अगर मैं हाँ कह देती उस रात तो तुमने कुछ भी नहीं किया होता? ऐसा करने लगे औरत तो समझो राम राज्य ही आ जाए। बनाती है। नहीं, नहीं,
मेरी जमीन में भी एक आंच सूरज ने बोया था और ऐन उस दिन की सुबह इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन हमारी दुनिया में वो अपनी हाजिरी भी नहीं लगा सका था। मेरे बेटे, ये दुनिया कल भी ऐसे ही रहेगी और मुझे नहीं पता तेरे पास लड़ने के लिए कौन सा हथियार होगा।